नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र स्टडी। जो भी छात्र छात्राओं ने मैट्रिक इंटर का बोर्ड परीक्षा 2021 में देने वाले हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए यहां पर जो है 10वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए जो है यहां पर एडवांस सैंपल पेपर जो है जारी कर दिया गया है बोर्ड की तरफ से। तो इस एडवांस सैंपल पेपर को जो है आप लोग को कहाँ से और कैसे जो है आप लोग को डाउनलोड करना है, सारा जानकारी जो है इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप जो है आप लोग को डिटेल में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले अब वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके और अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है डाउनलोड कर पाए। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी जगह उसको आप ऑल पे सिलेक्ट कर लिए। डाउट नट, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT-JEE, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर क्लास 9वीं से 12वीं बच्चों के लिए चल रही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डॉट नेट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CBSE 10वीं एवं 12वीं के एडवांस सैंपल पेपर जो है यहाँ पर जारी कर दिया है। आप लोग को कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आप लोग को मैं लाइव प्रूफ में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है क्या बताया गया है। तो यहाँ पर जो है CBSE के बोर्ड परीक्षार्थियों के मन की उलझने अब दूर होगी, इसके लिए CBSE ने एडवांस सैंपल पेपर जारी कर दिया है। इससे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के नए पैटर्न की जानकारी जो है इससे मिलेगी। इसमें यह बताया गया है कि केस स्टडी के प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, केस स्टडी प्रश्न में क्या पूछा जाएगा, कथन और कारण प्रश्न का फॉर्मेट क्या होता है, मल्टीपल च्वाइस वाले प्रश्न का उत्तर शब्द में लिखना होता है, फिर सिर्फ नंबर लिखना होगा। ज्ञात हो कि 10वीं और 12वीं के हर विषय के प्रश्न पत्र में केस स्टडी पूछे जाएंगे इस वर्ष 2021 के बोर्ड परीक्षा में। अब केस स्टडी में किस तरह के प्रश्न होंगे इसकी जानकारी ना तो शिक्षकों को और ना ही छात्रों को है, इससे जुड़ी कोई किताब भी बाजार में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बोर्ड ने सभी स्कूलों को जो है यहाँ पर एडवांस सैंपल पेपर जारी कर अभी स्कूलों को जो है यहाँ पर एडवांस सैंपल पेपर जो उपलब्ध करवाया है। ये जो है न्यू पैटर्न जो है 2021 के बोर्ड परीक्षा के लिए जो चेंज किया गया है, ये जो है नहीं शिक्षकों की जानकारी है, नहीं जो है छात्र छात्राओं को जानकारी है। यहाँ पर मॉडल पेपर जो आप लोग को कहाँ से और कैसे जो है ऑफिशियल डाउनलोड करना, आप लोग को ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए जो है आप लोग को इस साइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं 10th+12th का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है इस साइट पर आ सकते हैं और आप लोग मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं 10th+12th का। तो यहाँ पर जो है आप लोग को मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए जो है आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर अकाउंटेंसी, आरबी, यहाँ पर सारा का सारा जो यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारा का सारा जो है यहाँ पर दिया गया, एंटरप्रेन्योरशिप, आप लोग को डाउनलोड करने के लिए जो है आप इस पर जो है आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, आप लोग का जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, जैसे मान के बायोलॉजी का डाउनलोड करना है तो आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर SQP पर क्लिक कीजिएगा आपका फोन में जो है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बायोलॉजी का जो है यहाँ पर डाउनलोड हो गया, इस प्रकार से जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।